हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं एसीएफ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। वानिकी के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल फॉरेस्ट। सोशल फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं सामाजिक वानिकी। ठीक है, सामाजिक वानिकी का आज का टॉपिक है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सामाजिक वानिकी का अर्थ होता है सामुदायिक विकास हेतु उपयोगी वृक्षों को लगाना। उपयोगी वृक्षों को लगाना ही सोशल फॉरेस्टी है। सोशल फॉरेस्टी जो शब्द था उसका सबसे पहले प्रयोग वेस्टोबी के द्वारा 1968 ईस्वी में किया गया था। इस परिभाषा में सोशल फॉरेस्टी इज अ फॉरेस्टी विच एम्स टू प्रोड्यूस फ्लो ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिक्रिएशन बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी था। ठीक है, जिसका समाज अगर हिंदी में समझे सामाजिक वानिकी या सामुदायिक फॉरेस्ट्री या सामुदायिक वानिकी के तहत लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए वृक्षहीन क्षेत्रों तथा सामुदायिक क्षेत्रों पर वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है, मतलब जहां पे वृक्ष नहीं है, ठीक है, जहां पे वृक्ष नहीं है वृक्षहीन क्षेत्रों को हम पेड़ लगाएं तथा सामुदायिक भूमि पर भी वृक्षरोपण करें। सामुदायिक भवन जिसमें पूरे पब्लिक का ही, जिसमें पब्लिक की भूमि रहती है, सरकार की भूमि रहती है, सरकारी भूमि पर पेड़ लगाए जाए। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि आयोग कब आया था, 1976 में, कि प्रतिवेदन पर सामाजिक वानिकी के निम्नलिखित उपदेश है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, एक्चुअली सामाजिक वानिकी आप और हम सामान्य जीवन में बहुत देखे हैं, जैसे पेड़ों के किनारे किनारे क्या है, पेड़ लगा देना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पेड़ सड़क के किनारे ये पेड़ लगाना, जहाँ सदियों तक हमको क्या है छाया मिलता रहे, मतलब आने जाने वाले को क्या पड़े यहाँ पे आराम से उसको छाया मिल सके, इसलिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाया जाता है। जिससे इसमें दो फायदे होते हैं, पहली एक तो बात तो ये है राहगीरों को छाया मिलता है, और दूसरा जो सबसे बड़ी है रोड के ये पास वाली जो मिट्टी है इसका क्षरण नहीं हो पाता इस पेड़ों के लगाने से। ठीक है, तो ये सामाजिक फॉरेस्टी में आएगा। कुछ सामाजिक फॉरेस्टी को हम वैसे ले देते हैं, जैसे कि कई हम क्या करते हैं कई गार्डन बना देते हैं। ठीक है, जिससे क्या है आसपास के लोगों को वातावरण में शुद्ध वायु मिलने के साथ साथ सौंदर्यीकरण हो जाता है। सामाजिक फॉरेस्ट्री या वानिकी में दूसरी चीज है कई ऐसे हम क्या है उद्यान या फार्म हाउस लगा देते हैं सरकारी, जहाँ पे क्या है छोटे स्तर पर रख रखाव करके वहां से फल वनों उपज का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये गार्डन लगाना और रेलवे के किनारे पे पेड़ लगाना, किसी भूमिहीन जमीन पर पेड़ उगाना, मान ले कि कोई भूमिहीन क्षेत्र है सरकारी जमीन पर, हमने वहां वृक्षारोपण कर दिया, कुछ सालों में ये बहुत अच्छा जंगल बन गया, तो ये एक सामाजिक सामाजिक फॉरेस्ट्री या सामाजिक वानिकी कहा जाता है। ठीक है, अब इनके कुछ उद्देश्य हैं उसको अगर हम देखें तो सबसे पहला उद्देश्य ये था कि जलाने के लिए लकड़ियों के पर्याप्त उपलब्धता मिल जाए। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जलावन के लिए पर्याप्त लकड़ी का उत्पादन करना ताकि गोबर खाद के रूप में भी उपयोग हो सके। ठीक है, तो ये उनका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य अब देखने चलें तो दूसरा उद्देश्य ये था सामाजिक वानिकी का कि लोगों को छोटी इमारती लकड़ियां उपलब्ध हो पाए। ठीक है, जिससे घर की बाकी वस्तुओं बनाया जा सके, इमारती कुर्सी तथा दरवाजे बना सकते हैं, पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो पाए। ठीक है, वायु से कृषि क्षेत्र की सुरक्षा की जाए। वायु से कृषि क्षेत्र की सुरक्षा करने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए आपका खेत है, ठीक है, अगर वहां पे हाई स्पीड वाले विंड चलते हैं तो इनके किनारों पे देखिए ये सोशल फॉरेस्टी उगा दीजिए, मतलब क्रमबद्ध तरीके से हर किनारे पे आपने क्या कर दिया, अगर ऐसे पेड़ उगाते चलते हैं हमने, पेड़ या झाड़ियां उगाते चले इनके किनारों पर, तो ये क्या हो जाएगा, आप जो पवन के दबाव से आपकी फसल बर्बाद होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं कि वायु से कृषि क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना। ये पशु पक्षियों के बारे में कहा गया है, साथ साथ मनुष्य भी मनोरंजन के साधन उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए सामाजिक जो वानिकी है, ठीक है, सामाजिक वानिकी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उस पे फोकस करते हैं। आखिर ये सामाजिक वानिकी से समाज को क्या फायदा होगा उसको देखते हैं। पहला है लोकतांत्रिक सिद्धांत।
लोकतांत्रिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत वृक्षरोपण, वृक्ष जो रोपण है उसका सिद्धांत है लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा उगाया गया वन सोशल फॉरेस्टी कहलाता है, यही इसका सिद्धांत है। ठीक है, बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ये इसके सिद्धांत का एक पॉइंट है सोशल फॉरेस्टी का। ठीक है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का वन उगाना ही सामाजिक फॉरेस्टी है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसके सामाजिक सिद्धांत का, वानिकी क्षेत्र प्रसार का सिद्धांत। बहुत ही सिंपल सेंस निकलता है कि प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन, इसका अर्थ यह हुआ कि देखिए आपने क्या किया, जहां पे वन नहीं थे, ठीक है, आपने क्या कर दिया, वहां वृक्षारोपण कर दिया। तो वृक्षारोपण करने से मैंने कहा था कि हम पूरी तरह जंगल तो नहीं बना पाते, लेकिन ये जो क्षेत्र है वानिकी में वृद्धि की कर देगा। ये वृक्षारोपण करने से आपने यहाँ पे ये भूमि ही वृक्षहीन, वनहीन भूमि था, आपने इसको पेड़ उगा के यहाँ पे वृक्ष उगा दिए। अब कई सारे वृक्ष होने से क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये वृक्षावरण में आ जाता है। ठीक है, ये वृक्षावरण में आ जाता है। तो मैंने कहा था कि वन की जो डेंसिटी होते हैं दो तरीके से, वृक्षावरण पर वनावरण। ठीक है, वृक्षावरण तथा वनावरण, इन दोनों को मिलके ही वनों की कुल वन का निर्धारण किया जाता है। वृक्षावरण तथा वनावरण, ये दोनों को मिला के ही वनों में वृद्धि हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, आप अगर किसी भूमिहीन भूमि पर अगर वृक्ष उगाया जाता है तो उसके वृक्षावरण में वृद्धि होती है। और वृक्षावरण में वृद्धि हुआ मतलब कुल वानिकी में वृद्धि होती है। ठीक है, चाहे इसमें आप वृद्धि करें चाहे इसमें वृद्धि करें, दोनों का समेशन ही क्या हो जाता है, वानिकी होता है। तो वानिकी में वृद्धि हो जाती है वन की, तो कुल सघनता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यही कहा है प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन के बारे में, सोशल फॉरेस्ट्री से ये एक फायदा होता है। तीसरी चीज, गरीबी उन्मूलन का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन, बिल्कुल होगा। आप देखोगे बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान कर गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन पर जोर देकर गरीबी उन्मूलन का कार्य और विकास किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक सिद्धांत होता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ सड़कों के किनारे पेड़ उगाने से गरीबी दूर होगी, नहीं। जो सोशल फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, अगर कोई एक ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र के आसपास हमने फलदायक पेड़ लगाए, ठीक है, जो कई सालों, मान लो आम के ही कई वृक्ष लगा दिए या कुछ इमारती लकड़ियों के वृक्ष लगा दिए, तो इनके रख रखाव और इनके भरण पोषण के लिए कई ग्रामीणों को हायर किया जाता है, कई ग्रामीणों को दायित्व दिया जाता है, जिनसे इनको क्या है, साल भर इनको इनके पोषक तत्व, मतलब पोषण के लिए वनोपज के साथ साथ इनको जो सरकारी मानदेय है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामीणों को सरकारी 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 सोशल फॉरेस्ट को या सामाजिक फॉरेस्ट को बचाने के लिए इनको मानदेय दिया जाता है। तो ये क्या है, रोजगार का एक माध्यम बन जाता है। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन का सिद्धांत होता है, रोजगार का सिद्धांत भी इसी पे बेस्ड है। ठीक है, पांचवा हम लोग देखते हैं, मतलब रोजगार के सिद्धांत में हम लोग एक चीज और कह सकते हैं कि सामाजिक वानिकी से लोगों को सालों भर रोजगार मिलता है और जिससे शहरों की और जो लोगों का प्रवासन है वो कम होने लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सिद्धांत है कि सरकार समर्थित कार्यक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम चला सकती है। सामाजिक वानिकी मूलतः एक सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए कभी कभी इसे सिक लैंड फॉर सिक पीपल, बीमार लोगों के लिए बीमार भूमि की संज्ञा दी जाती है। मतलब वही क्या है कि वैसे लोग जिनके पास काम भी नहीं है और भूमि भी बंजर पड़ी है, तो उनके लिए एक तो भूमि भी बंजर से क्या हो जाती है, वृक्षवान हो जाते हैं, लाभान्वित हो जाती है, और दूसरा वहां के लोगों को भी फायदा हो जाए, इसलिए सोशल फॉरेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये सरकारी तौर पर या किसी सामुदायिक समाज के द्वारा उठाया गया कदम में सोशल फॉरेस्टी कहा जाता है। तो ये था सोशल फॉरेस्टी के प्रिंसिपल उद्देश्य। आगे हम बढ़ते हैं, आपने देखा सोशल फॉरेस्टी क्या है, अब उसके सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री का। सोशल फॉरेस्ट्री की तरह इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री आता है। देखिए तो आखिर इसमें क्या भिन्नता है, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री जैसे नाम से पता चल रहा है, इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल अवेलेबल कराने के लिए इंडस्ट्री द्वारा लगाया गया फॉरेस्ट वो
इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट में आएगा, मतलब वहां के बाय प्रोडक्ट से, मीन्स उस जंगल से मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट है उनको हम अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे और इंडस्ट्री उससे प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है, इंडस्ट्री उससे प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये केले का बहुत बड़ा बगान से उठाए गए हैं ये केले हैं इस व्यक्ति द्वारा, ठीक है। इसी तरह तेंदू पत्ते की इकट्ठा करने वाले, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि वनों से भी बाई प्रोडक्ट से क्या इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, तो इंडस्ट्रियल एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री इस्टेब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग इंडस्ट्रियल डिमांड, ठीक है। उद्योग द्वारा उद्योग का जो भी मांग रहता है उसको फुलफिल करने के लिए हम ऐसे वनों को उगाते हैं जिससे हम जिसके बाय प्रोडक्ट से हम अपना प्रोडक्ट बना सकें, उसको हम इंडस्ट्रियल एग्रो फॉरेस्ट्री में लेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं अगर बात कहूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे पेपर बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, पेपर वाली बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, वो ऐसे जंगल का विकास विकसित करती है जहां से जिनको पेड़ों को काट कर वो क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं, ठीक है। और उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कैसुअरीना और यूकेलिप्टस के पेड़ उगाना। ये दो पेड़ उगा के, यो क्या है, पल्प वुड का मतलब ही होता है पेपर। तो बिल्कुल आप याद रखें, आप इनमें फॉरेस्ट्री में क्वेश्चन बन सकता है, पल्प वुड इंडस्ट्रीज के लिए जो बेसिक पेड़ है वो क्या है, कैसुएरीना और यूकेलिप्टिस, ये दो ऐसे पेड़ हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो पेपर इंडस्ट्री द्वारा मुख्यतः वो सारे फॉरेस्ट को तो नहीं उगाएंगे, वो दरअसल अपने इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए यूकेलिप्टिस के पेड़ उगाएंगे और कैसुएरीना के पेड़ उगाएंगे, ठीक है। इन पेड़ों से इनको क्या है, पेपर बनते हैं। तो पेपर बढ़ाने बनाने वाले पेड़ ये होंगे और इनसे बना हुआ जंगल वो क्या है, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट का मतलब इंडस्ट्रीज को लाभ पहुंचाने वाले ऐसे पेड़ों का जंगल, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज से उसके बाय प्रोडक्ट बन सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे माचिस बनाने वाले कोई कम इंडस्ट्रीज है तो मैच बॉक्स बनाती है, तो उसके जो लकड़ी चाहिए उसको क्या है, ये एलेंथस है, ठीक है। एलेंथस जो पेड़ होता है, एलेंथस एक्सेल्स ये पेड़ का नाम है, एक्चुअली ये ग्रीक सब साइंटिफिक नेम है, तो ये साइंटिफिक नाम याद रखिएगा। एलेंथस एक्सेल्स जो है वो माचिस बनाने के उद्योग में वाले उगाते हैं, ठीक है। तो माचिस बनाने वाले उद्योग जो है वो इस पेड़ को उगाएंगे और उनके द्वारा बनाया गया ये जंगल वो इंडस्ट्रियल एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा करते हैं, फाइकस इलास्टिका जो रबड़ बनाने के लिए काफी उपयोगी पेड़ है, तो ये याद रखिए फाइकस इलास्टिका किसके लिए होता है, रबड़ उत्पादन के लिए, ठीक है। रबड़ उत्पादन के लिए फाइकस इलास्टिका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके द्वारा जो रबड़ के पेड़ उगाए जाते हैं कई लाख संख्याओं में होती हैं, ठीक है, कई लाख संख्याओं में ये रबड़ के पेड़ होते हैं, ठीक है। अब ये रबर का जंगल हो गया, कहने होने के लिए जंगल है लेकिन है क्या चीज, किनके द्वारा, किसी इंडस्ट्रीज के द्वारा उगाया गया। और तो ये जो कृषि है हमको क्या कहेंगे, ये जो कृषि है ये वानिकी कृषि हो गया, तो हमको एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे किसी इंडस्ट्रीज के द्वारा, इसलिए ये हो जाता है इंडस्ट्रियल एग्रो फॉरेस्ट्री। देखो सेंस बिल्कुल क्लियर है, इंडस्ट्रीज के द्वारा अपने इंडस्ट्रीज को उगाए गए पेड़ों के द्वारा बना जंगल को हम इंडस्ट्रियल एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसके चौथा उद्देश्य एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, टीक महुआ और टर्मिनेलिया ये इंडस्ट्रीज जो होते हैं किसके लिए होते हैं, टिम्बर के लिए, मतलब अच्छी किस्म के इमारती फर्नीचर बनाने के लिए किसी फर्नीचर उद्योग द्वारा, किसी फर्नीचर उद्योग द्वारा लगाया गया इंडस्ट्रीज जो है वो क्या होगा, टीक महुआ और टर्मिनेलिया ऐसे पेड़ों को हम लोग उगाते हैं और उनके बने हुए जंगल को हम टिम्बर इंडस्ट्रीज के द्वारा लगाया गया फॉरेस्ट कहेंगे। नेक्स्ट जो हम तय, कुछ प्लाईवुड बनाने वाले अगर इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जैसे सेमल के लकड़ी का होता है, पॉपलर का होता है, मैंगोज के होते हैं, इनसे क्या होता है, प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां जो हैं इनके द्वारा ये पेड़ों का जो उगाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। इन सारे को आप बिल्कुल याद रखना जरूरी है कि प्लाईवुड के लिए कौन से पेड़ों का, सेमल और पॉपुलर पेड़ों का यूज किया जाता है, टिम्बर लकड़ी लकड़ी प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टीक महुआ और टर्मिनेलिया का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से सारा एक एक करके मैं पढ़ रहा हूँ, आपको याद रखने हैं, ठीक है। टर्मिनेलिया और इलेटा, इलेटा जो है किसके लिए यूज है, तो ये जैसा आप देख रहे हैं सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए है, ठीक है, रेशम रेशम पालन के लिए, रेशम रेशम के पालन के लिए इन पेड़ों का उपयोग किया था। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, टर्मिनेलिया इलेटा
सिल्वीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप पूरे देख पा रहे हैं कि सारे इंडस्ट्रीज द्वारा उगे गए पेड़ हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा जो वन बनता है उसको हम इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री कहलाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक हम इसमें देखते हैं, JFM, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए JFM से हमको क्या समझना है, JFM का होता है मतलब होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देखिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो क्या है, दो स्टेट्स के बीच में हो सकती है, दो राज्य के बीच में हो सकती है, ठीक है। दो स्टेट्स मतलब दो राज्यों के बीच जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, केंद्र सेंट्रल से, सेंट्रल प्लस स्टेट का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर दो संविदाओं के बीच हो सकता है, मतलब दो जिलों के बीच हो सकता है, दो जिलों के बीच हो सकता है, दो समुदाय जो कम्युनिटी के बीच हो सकता है, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर्स है, चाहे राज्यों के बीच हो जाए, केंद्र और राज्य के बीच हो जाए, दो जिलों के बीच हो जाए, या दो अन्य कम्युनिटी के बीच में हो जाए, तो इन्हें हम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहेंगे, ठीक है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अगर डेफिनेशन देखा जाए, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को दिखाता है, ठीक है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट वर्क्स बिटवीन द, या देखिए लोकल अथॉरिटी, ठीक है। जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट आप देख पा रहे हैं वो किसके बीच है, एक तो ये हो जाता है लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, लोकल रेसिडेंस, ये जो लोकल रेसिडेंस है, लोकल रेसिडेंस मतलब वहां के स्थानीय निवासी, ठीक है, ये स्थानीय निवासी की बात है। लोकल अथॉरिटी मतलब स्थानीय अधिकारी, और फिर उसके बाद आ जाते हैं वेरियस फॉरेस्ट पॉलिसी जिसको हम लोग बोलते हैं लेखोजेस, ठीक है। लेखोजेस जो होते हैं वो ये पूछा जा सकता है कि किन तीनों के बीच फॉरेस्ट मैनेजमेंट के जो कार्य संभाले जाते हैं, तो वो हो जाता है लोकल रेसिडेंसी मतलब स्थानीय निवासी या आपके स्थानीय निवासी और लोकल अथॉरिटी, स्थानीय अधिकारी, तथा उसके बाद होता है ये हो जाता है आपका लेखोजिस, मतलब होता है कि वेरियस फॉरेस्ट पॉलिसी मतलब वानिकी के नियम, ठीक, जो पॉलिसीज होती हैं उन वानिकी की, जितने भी पॉलिसी है, लोकल अथॉरिटी है और लोकल स्थानीय निवासी है, इनके बीच का जो मैनेजमेंट पॉलिसीज चलती है उसे ही हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट ही या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। इट इज अ बेनिफिशियल फॉर टू करेस्पॉन्डिंग स्टेट्स, दो राज्यों के बीच एक करेस्पॉन्डिंग स्टेट होता है, व्हेन दीज स्टेट्स अप्लाई JFM पॉलिसी एंड दे बोथ आर टाई अप इन द रिलेशनशिप। यही कहा मैंने कि दो राज्यों के बीच अगर ये टाई अप होके अगर ये मैनेजमेंट चलाया जाए, ठीक है, जिसे हम जॉइंट फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट कहते हैं। तो इसे हमें मोदी जी ने कहा था, व्हेन द स्टेट्स विल ग्रोथ देन द कंट्री विल आल्सो ग्रोथ, ठीक है, मोदी जी के वर्ड्स थे कि गांव के वानिकी का उन्नति ही किसी राज्य की उन्नति है और राज्य की उन्नति ही किसी देश की उन्नति है, ठीक है। ये स्टेटमेंट था, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, जो जॉइंट फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट के मंच पे आके कहे थे, ठीक है। चलिए अब ये जॉइंट फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट आपने देखा, तीन मुख्य इसके फैक्टर्स हैं, वो है क्या है कि लोकल रेसिडेंसी, लोकल अथॉरिटी और वेरियस फॉरेस्ट पॉलिसी। तो पॉलिसी, निवासी और अधिकारी, इनके बीच जो असमंजस बैठा के जो मैनेजमेंट चलता है उसको हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहेंगे, ठीक है। अब इस फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मुख्यतः बेनिफिट्स क्या हो जाता है जरा देखते चलें, आपको इनमें से कूट आ सकता है, जैसे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होता है, आपको पूछ सकता है VFC क्या हो जाता है, जैसे VFC को कहते हैं विलेज जो है, ठीक है, विलेज फॉरेस्ट ये जो है कमिटी है या काउंसिल है, ठीक है, विलेज फॉरेस्ट काउंसिल, इसको याद रखें, विलेज फॉरेस्ट काउंसिल VFC। तो
गांव के वीएफसी प्ले ए मेन रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट फायर इनसाइड द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में जो विलेज फॉरेस्ट काउंसिल है, मतलब गांव के लोगों का एक कमेटी रहता है, वो क्या करता है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत। ठीक है, वहां पे चराने का रखरखाव यही करेंगे। ठीक है, और फॉरेस्ट में अगर आग जनित होता है तो भी इनका मैनेजमेंट क्या है, वहां के वीएफसी लोग करेंगे, मतलब जो विलेज फॉरेस्ट काउंसिल के मेंबर हैं वो जॉइंट फॉरेस्ट के तहत जितने भी जंगलों को चिन्हित किया जाता है उनको ये क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं। दूसरी चीज, क्वालिटी एक्सटेंशन ऑफ द वर्क। ठीक है, जॉइंट हमने दो स्टेट्स के बीच में क्या कर दिया है, बड़े से जंगल को चिन्हित करके JFM के तहत इसको चिन्हित करके इसके रखरखाव को स्थानीय निवास को दे दिया, तो उन्होंने क्वालिटी एक्सटेंशन ऑफ वर्क मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, इट वे तो इन्वॉल्व रहेंगे ही जो वीएफसी के लोग हैं। ठीक है, इसमें दूसरा फायदा यह हो जाता है कि हाँ, हम ये देखते हैं कि जैसे ही वीएफसी मतलब गांव के जो काउंसिल है, फॉरेस्ट काउंसिल है, इनमें इन्वॉल्व हो जाने से जो छोटे छोटे प्लानिंग होते हैं उनके एग्जीक्यूशन में बहुत आसानी होती है, और ये देखने को मिलता है कि एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये क्वालिटी एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ केंद्र में या राज्य में बैठ के हम स्थान पे, किसी लोकल स्थान पे कंट्रोलिंग बहुत मुश्किल होता है रखरखाव, इसलिए हम लोग को वीएफसी बनाना ही पड़ता है, मतलब विलेज फॉरेस्ट काउंसिल बनाते हैं। ठीक है, उसके तहत ही रखरखाव हो पाएगा। तीसरी चीज क्या है, चेंज इन आउटलुक। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इससे क्या है, लोगों का जो देखने का नजरिया है किसी गांव किसी जंगल के प्रति वो बदलता है, ताकि वो वहां से माइग्रेट ना हो जाए। ठीक है, और उनको उसी गांव में रहने के लिए बल मिलता है। ठीक है, ऑल द विलेजर्स वर अर्लियर एग्जाम्पल फॉर पॉवर्टी इग्नोरेंस और नेग्लेक्टेड। ये जो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि गांव के JFM लगाने से उस गांव के आसपास के लोगों का देखने का नजरिया बदल जाएगा, और क्योंकि जो वहां से प्रस्थान कर लेते हैं, गांव छोड़ के चले जाते हैं, उसकी संख्या में कमी आएगी। ठीक है, तो उनके जो आउटलुक है गांव का वो चेंज हो जाएगा। फिर सोशल अवेकनिंग, सामाजिक जागरूकता आएगी। ठीक है, कि हमारे गांव का जो पर्टिकुलर वन है उससे हम लोग क्या है, संरक्षण दे के हम सामाजिक चेतना जागृत कर सकते हैं। फोर्थ जो बेनिफिट है वो है इनकम जनरेशन एक्टिविटी होते हैं। मतलब आपने सोशल फॉरेस्ट्री उगाने का एक अच्छा फायदा ये हो जाता है कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनको क्या, रस्सी बनाने के लिए पदार्थ, बास्केट बनाने के लिए पदार्थ, बहुत सारे जूट के बोरे बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल मिल जाती है, जिससे उसके क्या जाते हैं, जो इनकम के साधन बढ़ जाते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या है, मुख्यतः क्या है, कृषि के साथ साथ वहाँ के जो वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात हो जाती है उसको सशक्त बल मिलता है। मीन्स वहाँ के जो वन के निवासी हैं उनमें जो औरतें हैं उनको क्या रोजगार और काम मिल सकता है। ठीक है, उनके इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, अदर डिपार्टमेंट वर्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट है इसके तहत ये सारे उसके बेनिफिट्स हो जाएंगे। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो जाएगा, जैसा पहला पॉइंट था, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होगा, क्वालिटी ऑफ एक्सक्लूशन ऑफ वर्क हो जाएगी, बिल्कुल एग्जीक्यूशन वर्क बहुत अच्छा होगा क्योंकि स्थानीय निवासी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे स्थानीय अधिकारियों के साथ। चेंज ऑफ आउटलुक, बिल्कुल लोगों का देखने का नजरिया बदलेगा गांव से। ठीक है, सोशल सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है, वनांचल के जो स्कूल है उसमें लोगों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने की संख्या बढ़ेगी, इनकम के दूसरे जरिया मिलेंगे, महिलाओं को स्वरोजगार के तहत एक अच्छी इनकम के लिए रास्ता मिलेगा। तीसरा है, डिपार्टमेंट ऑफ अदर वर्क्स भी किए जा सकते हैं सामाजिक जागरूकता के लिए। ये थी जॉइंट वेंचर्स के लिए JFM पर। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री ये कब
से चल रहा है, ये हमको याद रखना है, ये 2014 से चल रहा है नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री किस सन से चालू है, 2014 चल रहा है, ठीक है, ये एक दशक के लिए चलता है, ठीक है। उसी प्रकार आप अगर प्रौद्योगिकी को देखें तो आप याद रखिएगा, एक सन आपको याद रखा करवाना चाहूंगा, 2013 जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो नीति है वो 2013 का है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका जो नीति का ईयर है वो 2013 से चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी जो है 2014 से चल रहा है। चलिए, इस नीति के तहत जो अभी प्रेजेंट की जो इस्टीमेट है, ठीक है, जो लकड़ियों का, वो 65% जो लकड़ी है भारत की वो किससे प्राप्त हो रही है, फार्म से प्राप्त हो रही है, ठीक है, फार्मिंग से, ठीक है, उद्यानिकी से प्राप्त हो रही है, ठीक है, और वनों से प्राप्त हो रही है। तो मुख्यतः जो है 65% जो कंट्री का जो लकड़ी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको कहाँ से फुलफिल हो रही है, वो है आपका फार्म से की, जैसे फार्म हाउस होते हैं, उद्यानिकी होते हैं, यहां से फुलफिल की जा रही है, ठीक है। उसके बाद इस पॉलिसी में कि ये टेंडेंसी रखी गई है कि जो भारत की अभी फॉरेस्ट्री है उसको इंक्रीज किया जाए, और ये इंक्रीज जो है वो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को 33% तक पहुंचाना है, जो अभी 25% से भी कम है। इस चीज पे जोर दिया जा रहा है। इनके अलावा जो जोर देने वाला टॉपिक है वो है एग्रोफॉरेस्ट्री पे जोर दे रहे हैं, ठीक है। इस नीति के तहत एग्रोफॉरेस्ट्री ही एक माध्यम है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं कि जो फॉरेस्ट कवर है, मतलब देखिए एग्री फॉरेस्ट में मैं बात कर रहा हूँ एग्रोफॉरेस्ट्री की, ठीक है, एग्रोफॉरेस्ट्री इसको जरा समझिएगा, एग्री फॉरेस्ट्री ही है जिसके माध्यम से क्या है ये 33% रिकवर को या वनावरण को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एग्रोफॉरेस्ट्री में दो चीजें होती हैं, एक तो हम क्या करते हैं फॉरेस्ट उगाते हैं, फॉरेस्ट के साथ साथ देखिए एक तो वानिकी मतलब फॉरेस्ट होता है, वानिकी, और दूसरी चीज ये इनके बीच क्या उगाते हैं फसल। तो कोई भी सिर्फ वानिकी या सिर्फ फसल से ये जो 33% तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एग्रोफॉरेस्ट्री एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुसार हम क्या करते हैं कि वानिकी के क्षेत्रफल किसी देश का टोटल जो वानिकी का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, अगर मैं वानिकी का क्षेत्रफल ले लूं, वानिकी जो है का कुल क्षेत्रफल जो है, एक तो वनावरण और दूसरा वृक्षावरण, ठीक है, वृक्षावरण, इन दोनों से मिलकर पूरा वानिकी तैयार होता है, ठीक है। वनावरण मतलब रियर फॉरेस्ट, वृक्षावरण मतलब ट्री फॉरेस्ट, ठीक है, इन दोनों के समेशन से वानिकी का कुल परसेंटेज लिया जाता है, ठीक है। अगर आप एग्रोफॉरेस्ट्री करते हैं तो किसमें इजाफा होगा, तो अगर आप एग्रोफॉरेस्ट्री करते हैं तो वृक्षावरण, ठीक है, ट्री फॉरेस्ट्री में, ट्री कवर में इजाफा होता है, इसके माध्यम से ही वनों को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। एग्रोफॉरेस्ट्री पे जोर देने से ये फायदा है, उसके साथ ही ये क्या करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रेजेंट के जो चैलेंज है जिसमें हम लोग को फूड, न्यूट्रिशंस, एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट सिक्योरिटी के लिए भी लाभ पहुंचाता है एग्रोफॉरेस्ट्री। तो इस पॉलिसी में एग्रोफॉरेस्ट्री को अपनाने पर जोर दिया गया है, और ये जो छोटे से टारगेट है, मतलब कहा जाए तो 33% का जो छोटा टारगेट दिखता है ये एक्चुअली है बहुत बड़ा, ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान में 25% का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो 25% से भी कम है अपने पास, ठीक है। चलिए, तो ये था नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014। अब जरा हमने एग्रोफॉरेस्ट्री पढ़ा और इसके साथ ही हमने पढ़ा सोशल फॉरेस्ट्री। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो इस टेबल के माध्यम से अगर समझें तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है। एग्रोफॉरेस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, एक तो फसल उगाते हैं, दूसरी तरह पेड़ उगाते हैं, और तीसरा एनिमल को संरक्षण देते हैं, ठीक है, ये पूरा मैनेजमेंट जो है एग्रोफॉरेस्ट्री का है। वही सोशल फॉरेस्ट्री का क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें क्या है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का जंगल ही उगाते हैं, जिसमें हम लोग मुख्यतः क्या उगाते हैं पेड़, ठीक है।
दूसरा पॉइंट अगर देखने जाए इसमें दिया है इंपॉर्टेंस कंसिडरेशंस। इस पे क्या होता है, हमको किन चीजों को कंसिडर करके ये एग्रोफॉरेस्ट्री अपनाना पड़ता है। देखिए एग्रोफॉरेस्ट्री यूं ही नहीं अपना सकते, कुछ भी पेड़ नहीं उगा सकते, उसमें कंसिडर करना सारे बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। जरा देखते हैं, क्रॉस इंटरचेंजिंग इंटर रिलेशंस रूटिंग बिहेवियर एलोपैथिक इफेक्ट। देखिए एलोपैथिक इफेक्ट दिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप कुछ भी फसल और कुछ भी पेड़ नहीं उगा सकते हैं आपस में, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया कि एलोपैथिक इफेक्ट पाया जाता है, एलोपैथिक इफेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे ये फसल है, बीच में हम लोग फसल उगाते हैं और किनारों पे हम लोग वन ठीक है वानिकी। तो ये जो पेड़ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पेड़ है इनसे निकलने वाले जो रसायन है, ठीक है, केमिकल है, इनके जड़ों से निकलने वाला जो केमिकल है, अगर इन फसलों पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है तो ठीक है आप उगा सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव इफेक्ट डाला तो नहीं उगा सकते इन पेड़ों को इस फसल के साथ। मतलब इस फसल का इन वानिकी से अगर मिसमैच होता है तो हम लोग ऐसे पॉइंट ऐसे सिचुएशन में हम इन पेड़ों को इन फसलों के साथ नहीं उगा सकते। इन रासायनिक ऐसे रासायनिक हानिकारक रासायनिक हैं जो इस फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको हम लोग एलोपैथिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मैंने इसको इससे पहले भी डिस्कस किया है, ठीक। चलिए, और कृषि में भी हम लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एलोपैथिक मतलब होता है कि पौधों द्वारा जमीन के जड़ों में ऐसे रासायनिक को छोड़ना जिससे दूसरे पेड़ या दूसरे फसल को नुकसान पहुंचे, उसको हम एलोपैथिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर सोशल फॉरेस्ट में आ जाए तो ऐसा कुछ कंसिडरेशन नहीं करना पड़ता, वहां सिर्फ साइट सिलेक्शन और लोकल पीपल नीड्स ऑन डिमांड हो जाता है, ठीक है। मतलब एक सुटेबल साइट देखते हैं जहां पे पेड़ उगाना है और बस उगा देते हैं पेड़, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक कंसिडरेशन देखते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, इकोनॉमिक कंसिडरेशन से देखा जाए तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव इकोनॉमी मिलता है, किसमें नुकसान वाली कोई चीज नहीं है। आप बंजर भूमि पे पेड़ उगा रहे हैं, आप रोड के किनारे पे पेड़ उगा रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव इफेक्ट ही मिलने वाला है, कुछ इसमें निगेटिव होने वाली चीजें नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रोफॉरेस्ट्री में क्या है, एक उचित दाम ऐसे रिकवरी होना चाहिए, तभी चाहे एग्रीकल्चर से हो और चाहे फॉरेस्ट्री से, दोनों का एक यील्ड पॉइंट होता है। यील्डिंग पॉइंट मतलब होता है, देखिए कभी एग्रीकल्चर से फायदा होगा तो वानिकी से लॉस हो सकता है, कभी एग्रीकल्चर में लॉस हो तो वानिकी से फायदा हो सकता है, तो दोनों का एक यील्ड पॉइंट आता है। यील्डिंग मतलब ऐसी ऑप्टिमम पॉइंट जहां पे अधिक बेनिफिट्स हो, मतलब रेवेन्यू ज्यादा प्रोड्यूस हो वो। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन होते हैं जहां पे हम लोग क्या है इकोनॉमिक वेरी करती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हमको पॉजिटिव ही मिलने वाला है भले हमें पैसा इस पे ना मिले, ठीक है, वो सोशल फॉरेस्ट्री में। चलिए अब क्रॉप कॉम्पोजिशंस बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, मतलब फसल भी होता है और ट्री उसके साथ एनिमल भी होते हैं, ठीक है। ये क्रॉप कॉम्पोजिशंस होता है किसमें, एग्रोफॉरेस्ट्री में। वहीं अगर सोशल फॉरेस्ट्री की बात कर लूं, यहाँ सिर्फ पेड़ उगाए जाते हैं या झाड़ी उगाए जा सकते हैं, ठीक है। प्लांटेशन साइट ड्राई लैंड पे होते हैं और फार्म लैंड पे उगाए जाते हैं, लेकिन एग्रो सोशल फॉरेस्ट्री में अगर जाएं तो देख जहां पे वेस्ट लैंड है वहां पे उगाओ, कम्युनिटी लैंड है वहां पे, पंचायत लैंड है वहां पे जाएं, और मार्जिनल लैंड है जो बची हुई एरिया है वहां पे उगा सकते हैं, जैसे किसी नहर के किनारे या किसी नदी कछार में, ठीक है। तो यहाँ वेस्टेज वाले चीजों को हम लोग यूज करते हैं ऐसे सोशल फॉरेस्ट में, लेकिन यहीं अपन एग्रो फॉरेस्ट में एक वेल प्लान लैंड होता है, ठीक है, या फार्म हाउस होता है, ठीक है, या फार्म लैंड होता है जहां पे हम लोग एग्रोफॉरेस्ट्री अपनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग देखते हैं कोऑपरेशन ऑफ पीपल, ठीक है। इसमें डिफिकल्ट होता है क्योंकि रख रखाव की बहुत जरूरत होता है, ये विलिंग इज मोर मींस टू कवर द अनप्रोडक्टिव बर्न लैंड। मतलब यह इस पे यह है कि इस पे हमने रख रखाव का बहुत ज्यादा इसमें चिंता करने वाली बात है नहीं, जो ऑलरेडी बेकार भूमि थे उन पे हमने पेड़ उगाए हैं, ठीक है। तो बहुत इसमें हम लोग ना उम्मीद लगते हैं और ना बहुत ज्यादा इसको रखरखाव करते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट जो है इसमें डिफिकल्ट होता है और इसमें आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर में एग्रोफॉरेस्ट्री में जो मैनेजमेंट की बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें VFC भी आ सकते हैं, मतलब विलेज फॉरेस्ट काउंसलिंग प्लस प्लस लोकल अथॉरिटी, ठीक है, तो प्लस फॉरेस्ट
लॉ, ये सब से मिल के कॉम्प्लेक्सिटी होती है मैनेजमेंट का, बल्कि इसमें सिंपल फॉरेस्ट ये कोई भी उगा सकता है, कहीं भी उगा सकता है, ठीक है। फिर नीड फॉर रिसर्च, ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री में ऐसा कुछ जरूरत नहीं है नीड फॉर रिक्वायरमेंट के लिए इसमें रिसर्च की, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री में हर वर्ष प्रति वर्ष क्या जरूरत होती है, ऐसे इंसेंटिव ये एक्चुअली इंटेंसिव प्रक्रिया है। इंटेंसिव मतलब जिसमें बहुत ही हमको हर साल प्रति साल क्या है इसका एनालिसिस करता है, और अच्छे बुरे की हमको तहकीकात करनी पड़ती है। तो ये था नीड फॉर रिसर्च की, ये था डिफरेंस एग्रोफॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री का, ठीक है। तो इनके साथ ही यहाँ पे खत्म होता है एग्रोफॉरेस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉयल एंड फॉरेस्ट सॉयल, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।